कीपिंग क्वाइट के अपन ने दो क्वेश्चन कर लिए थे पहले, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको अंडरस्टूड किया। आज अपन इसका तीसरा प्रश्न और चौथा क्वेश्चन उन्हें और देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपके लिए है, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोइम। वो कौन सी उदासी है जिसको कवि कविता में रेफर करता है, यानी कि उस उदासी के बारे में बताइए जिसके बारे में कवि ने अपनी कविता के अंदर बताया है। तो कौन सी उदासी है वो? द सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ ओवर एक्शन। वो सैडनेस है रिजल्ट ओवर एक्शंस एंड डीड्स। वो उदासी है हमारे परिणामों, हमारे कार्यों की और हमारे जो एक्शंस हैं, जो हम काम करते हैं। डीड और एक्शन दोनों कार्य होता है, तो यहाँ पे जो हमारे कार्य हैं उनके जो परिणाम हैं उनकी वो उदासी है। हम जो कार्य कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, हम अपनी लाइफ में जो कार्य करते हैं उनके जो परिणाम हैं, उनसे जो हमें एक पीड़ा मिलती है, वही इस पार्ट के अंदर उदासी बताई गई है। अकॉर्डिंग टू द पोइट वी ऑल आर इन हरी। कवि के अनुसार हम सब हरी में हैं। हरी यानी जल्दबाजी के अंदर हैं, अचीविंग प्राप्त करने की। क्या प्राप्त करने की? वेरियस टास्क, बहुत से कार्य इन आवर लाइफ, हमारे जीवन। कवि के अनुसार हम हमारे जीवन के अंदर बहुत से कार्यों को जल्दबाजी में करने की फिराक में रहते हैं। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं हर चीज़ को करने के अंदर। दिस रस, ये जो भाग दौड़ है, ये जो रस है, ये जो भाग दौड़ है, समटाइम्स कभी कभी प्रूव्स साबित हो जाती है डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए खतरनाक। और यही जो भाग दौड़ है, जो ये आपाधापी का जीवन है जिसके अंदर इंसान अपने हर कार्य को पूरा करने की भाग दौड़ में लगा रहता है, जद्दोजहद में लगा रहता है, ये भाग दौड़ कभी कभी उसके लिए डेंजरस हो जाती है। डेंजरस यानी खतरनाक। तो ये जो भाग दौड़ है हमारे लिए खतरनाक साबित होती है कभी कभी। एज जैसा कि वी डोंट एनालाइज, हम एनालाइज नहीं करते आवर एक्शंस, हमारे कार्यों को। आपको पहले भी बताया था एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर, और इस कविता का जो सेंट्रल थीम है वो भी शायद यही है। शायद क्या, वो तो है ही कि हमें कुछ समय के लिए अपने आप को रोककर अपने जो कार्य हैं उनका हमें एनालाइज करना चाहिए कि हम किस तरफ क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को हम क्या भेंट कर रहे हैं, क्या योगदान कर रहे हैं। तो हम अपने आप का एनालाइज करें। तो कवि कहता है कि जैसा कि हम एनालाइज नहीं करते ओवर एक्शंस, हमारे कार्यों का, इसलिए वी लैंड ओवर सेल्वेज इन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम अपने आप को इन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। वी लैंड यानी कि हम डाल देते हैं ओवर सेल्वेज अपने आप को इन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी समस्याओं के अंदर, बहुत सारी समस्याओं के अंदर। ये नंबर ऑफ यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड समस्याएं। हम समस्याओं में कब डालते हैं अपने आप को? क्योंकि हम क्या नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे। हम अपने आप का एनालाइज नहीं कर रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज, हमारे लाइफ में जो कार्य हैं उनके बारे में सोचते नहीं हैं कि हमारा जो कार्य किया गया है वो किसी को तकलीफ़ पहुँचाएगा या नहीं, दुख पहुँचाएगा या नहीं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। दीज प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं बिकम बन जाती हैं रीजन, कारण। और यही समस्याएं क्या बनती हैं? कारण किसका? आवर सैडनेस, हमारी उदासी का। एज जिसको रेफर्ड बताया गया है इन द पोएम, और इसी उदासी को कविता में बताया गया है कवि के द्वारा। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहली बात, उदासी। उदासी हमें क्यों हो रही है? क्योंकि हम हमारे एक्शन और डीड्स का रिजल्ट तय नहीं कर पाते, और वो जब हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम उदास हो जाते हैं। तो हमारे एक्शंस और डीड्स का जो रिजल्ट है वो हमें उदास कर देता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि
कवि के अनुसार हम सब जल्दबाजी के अंदर हैं, हम एक हरी के अंदर हैं, और वो जल्दबाजी किसकी है, अचीविंग प्राप्त करने की। वेरियस टास्क, बहुत से कार्य इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में यही भाग दौड़ कभी कभी हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाती है। जैसा कि हम एनालाइज नहीं करते हमारे कार्यों को, सो वी लैंड ओवर सेल्वेज इन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इसलिए हम अपने आप को एक बहुत बड़ी समस्याओं में डाल देते हैं, बहुत सारी समस्याओं में डाल देते हैं, और यही समस्याएं हमारे लिए कारण बनती हैं हमारी उदासी का, जिस उदासी का बात या कविता में की गई है। अगला प्रश्न है, वर्ड सिंबल कौन सा प्रतीक नेचर प्रकृति से पोइट इन्वोक बताता है, टू इन्वोक टू से बताने के लिए लेता है, देयर कैन बी लाइफ कि जीवन हो सकता है, अंडर अपेरेंट स्टिलनेस स्पष्ट शांति के साथ भी, स्पष्ट शांति के साथ भी जीवन बिताया जा सकता है, इस बात को बताने के लिए कवि ने कौन सी चीज़ को इन्वोक किया है, कौन सी चीज़ को प्रबल रूप से बताया है उसने। तो आपने लास्ट में पढ़ा था पोएम के अंदर कि जैसे पृथ्वी हमें ये पाठ सिखा सकती है कि वो शांति के साथ कैसे जिया जाए, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हर चीज़ हमें मृत दिखती हैं लेकिन वो बाद में अलाइव साबित होती हैं। तो वही प्रश्न यहाँ से आपको बना रखा है। तो द पॉइंट टेक्स, कवि लेता है एग्जाम्पल अर्थ का, कवि पृथ्वी का एग्जाम्पल लेता है टू प्रूव, साबित करने के लिए, देयर कैन बी लाइफ कि जिंदगी हो सकती है, अंडर अपेरेंट स्टिलनेस स्पष्ट शांति के साथ भी जिंदगी बिताई जा सकती है। इस बात को समझाने के लिए कवि ने किसका एग्जाम्पल लिया है, अर्थ का। अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव, अर्थ कभी भी क्या नहीं होती, इनएक्टिव नहीं होती, एक्टिव या तो सक्रिय होता है, इनएक्टिव इसका अपोजिट है या निष्क्रिय। पृथ्वी कभी भी निष्क्रिय नहीं होती। वी एक्सपीरियंस, हम अनुभव करते हैं चेंज, बदलाव इन द सीजन्स, जैसे हम ऋतुओं के अंदर बदलाव को महसूस करते हैं, क्या गर्मी सदाई रहती है, क्या सर्दी हमेशा रहती है, क्या बरसात रोज़ रहती है, यानी कि उनमें परिवर्तन होता है। तो हम परिवर्तन को महसूस करते हैं, हम परिवर्तन को अनुभव करते हैं, विच ब्रिंग्स, और यही परिवर्तन लाते हैं सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सी चीज़ों को। इन विंटर, जिस सर्दी के अंदर थिंग्स कम टू स्टैंड स्टिल, चीज़ें एकदम शांत हो जाती हैं, एज द वाटर बॉडीज फ्रीज, क्योंकि जो पानी है वो जम जाता है। द ट्रीज, पेड़ शेड देयर लीव्स, अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन, बसंत की ऋतु आती है, सर्दी के बाद में बसंत की ऋतु जैसे ही आती है, इट ब्रिंग विद द लवली फ्लावर्स, ये वापस क्या ले आती है, प्यारे प्यारे फूल ले आती है, फ्लोविंग रिवर्स, बहती हुई नदियाँ ले आती है, एंड न्यू लाइफ, एक नया जीवन ले आती है, इज गिवन टू नेचर, और प्रकृति को क्या मिल जाता है, नया जीवन। सो इसलिए द पोइट वांट्स टू कन्वे, इसलिए कवि कहना चाहता है, वी शुड स्टे काम, कि हमें काम रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, इट विल ब्रिंग टोटल इनएक्टिविटी, कि हम बिल्कुल ही इनएक्टिव हो जाएं और स्टिल हो जाएं। कवि इनएक्टिव होने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो केवल इतना कह रहा है कि हम शांत हो जाएं कुछ समय के लिए, ताकि अपने बारे में सोच सकें, और सोचने के बाद में हम अपने जो कार्य हैं, जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में हम जान सकें कि हम क्या कर रहे हैं, इस दुनिया को क्या देख के जाएंगे, इनके बारे में सोच सकें, ताकि हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकें कि स्पष्ट शांति के साथ भी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। ठीक है, थैंक्स ए लॉट। चाची जेनिफर के बाद आपने पढ़ा, और इसका एक क्वेश्चन